So, कैसा बीत रहा है आपका लॉकडाउन? रोज इतने पकवान खाएंगे तो पेट भी खराब हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आज जो चीज सिखाने वाला हूँ वो हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। अमूमन ये समझा जाता है कि वो बीमारों का खाना है, पर हम जो बनाएंगे वो डेफिनेटली बीमारों के लिए नहीं है। देखिएगा, आपको भी भूख लगाएगी। हम बना रहे हैं कर्ड राइस। आज बहुत अच्छे तरीके से कर्ड राइस बनाना सीखिए, चलिए मेरे साथ किचन में। सो कर्ड राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा देसी घी ले लीजिए, उसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, कुछ फ्रेश करी पत्ते के लीव्स और आपकी पसंद अनुसार हरी मिर्च डाल के उसे धीमी आंच पर ही थोड़ा सा सौते करिए। हमें उन्हें फ्राई नहीं करना है, हमें बस उनका फ्लेवर रिलीज करना है। इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा दही ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको ये सारी कुकिंग धीमी आंच पे करनी है, नहीं तो दही फट जाएगा। थोड़ी सी हरे धनिए की डंडियों को बारीक चॉप करके ऐड करिए, ये बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करती है। इसे तब तक धीमी आंच पर पकाइए जब तक कि दही का छोड़ा हुआ पानी इवेपोरेट होकर आपको एक खिचड़ी जैसी कंसिस्टेंसी न मिल जाए। इसके बाद इसे आंच पे से उतार कर एक डिश में प्लेट कर लीजिए। तड़का बनाने के लिए एक कड़छी के अंदर देसी घी लीजिए, उसमें ऐड करिए साबुत लाल मिर्च, थोड़े से राई के दाने, करी पत्ता और थोड़ी सी हींग। इस तड़के को अपने प्री प्लेटेड कर्ड राइस के ऊपर पोर करिए और आपके अमेजिंग कर्ड राइस बिल्कुल तैयार हैं। भूख लग गई ना कर्ड राइस देख के, तो जाइए आप भी किचन में जाकर अपने लिए बनाइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं।